हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी आईएसएनएल। अभी हम देखेंगे न्यू स्पेसीज डिस्कवर किया गया है, उसका जो नाम है स्कॉर्पियन फिश। सो ये जो आप पिक्चर देख रहे हो स्कॉर्पियन जैसा है, सो दैट इसका नाम जो दिया गया है स्कॉर्पियन फिश है। ये जो टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर द यूपीएससी के लिए, आईएएस के लिए, पीसीएस के लिए, एसएससी के लिए एंड अदर्स के लिए। इसके बारे में पूरा डिटेल्स में हम डिस्कशन करेंगे, सो चलिए देखते हैं। सो न्यूज ये है कि अभी जो है रिसर्चर्स कहाँ से ना सी एम एफ आर आई का फुल फॉर्म ये है, सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, पहले तो हम स्कॉर्पियन फिश के बारे में देख लेंगे। ये एक रेयर स्कॉर्पियन फिश है जो कि डिस्कवर किया गया है कहाँ पे, ना सेथुकराई कोस्ट जो कि गल्फ ऑफ मेनार में। सो फर्स्ट टाइम जो है ये पर्टिकुलर स्पेसीज जो है ये अभी डिस्कवर किया गया है जो कि ये जिंदा पकड़ा है इंडियन वाटरशिप। सो इसको पकड़ने के बाद क्या है ना, इसको डिपोजिटेड किया गया है कहाँ पे, नेशनल मैराइन बायोडाइवर्सिटी म्यूजियम में जो कि सीएमएफआरआई में। सो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्कॉर्पियन फिश के बारे में देखेंगे तो ये जो फिश है, ये फिश जो है एक पावरफुल सेंसरी सिस्टम है इसका। इसका मीनिंग ये है, इसका क्या है ना, बैंड टेल है। स्कॉर्पियन फिश का क्या है ना, बैंड टेल है। सो उसके सहायता से ये क्या करता है ना, लेटरल सेंसरी सिस्टम को यूज करता है। इसका आंख जो है नहीं। सो इसका बिना आंख में ये क्या है ना, सेंसर सिस्टम में क्या है ना, ये हॉन्ट करता है उसका जो प्रे है। ठीक है, प्रे मीन्स जो खाता है। ठीक है, दूसरा जो उसका जो खाने वाला चीज है, मीन्स दूसरा छोटा छोटा फिश है या और कुछ है, तो वो क्या है ना, हॉन्ट करता है उसको। सो लेटरल सेंसर सिस्टम ये है क्या है ना, एक सेंस जो है, सेंस ऑर्गन से जो कि इस टाइप का जो फिश है उसमें फाउंड होता है, ये क्या करता है ना, डिटेक्ट करता है जो कि उसका प्रे का मूवमेंट, वाइब्रेशन, प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, सराउंडिंग द वाटर में। सो कलर चेंजिंग है इस फिश का एक, ये एक एबिलिटी है जो कि क्या करता है ना, उसका जो कलर है सो चेंज कर देता है, कैमोफ्लेज कर देता है। कैमोफ्लेज मींस जैसे क्या, एनवायरनमेंट के हिसाब से जो कलर चेंज होता है उसको बोलते हैं कैमोफ्लेज। मींस जो वाटर के अंदर जैसे कलर है वहां पे, तो उसी टाइप का वो है ना, उस टाइप का क्या कर देता है ना, चेंज कर देता है उसका जो है कलर से, वाटर और उसका जो एनवायरनमेंट है उसी टाइप का क्या करता है ना, उसका कलर चेंज कर देता है। सो दैट क्या करता है ना, उसका जो प्रे है उसको कैचिंग करने में इजी होता है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि इसका जो है बॉडी में क्या है, न्यूरोटॉक्सिक है। इस फिश में क्या है ना, स्कॉर्पियन फिश में क्या है ना, न्यूरोटॉक्सिक है। इसका जो इतना जो स्पाइन से उसमें न्यूरोटॉक्सिन होता है। सो न्यूरोटॉक्सिन क्या होता है, ये एक केमिकल्स रहता है जो कि पॉइजनस होता है, ये जो नर्व सिस्टम को क्या है ना, पैरालाइज कर देता है। ठीक है, सो ये जो केमिकल्स है ये क्या करता है ना, जैसे क्या है उसका प्रे है, उसको प्रे को क्या है ना, उसको क्या है ना, ये जो न्यूरोटॉक्सिन है उसको क्या है ना, इंजेक्ट कर देता है उसके अंदर, फिर उसको पैरालाइज कर देता है। जनरली ये जो है न्यूरोटॉक्सिन किस में मिलता है ना, हमारा जो स्नेक है किंग कोबरा एंड मैराइन स्नेक में ये सब वेनम मिलता है। ठीक है, और दूसरा बात है, ये जो फिश को दूसरा कोई खाएगा तो उसका भी डेथ भी हो सकता है, क्योंकि न्यूरोटॉक्सिन बहुत खतरनाक रहता है केमिकल्स। सो अबाउट द स्कॉर्पियन फिश के बारे में देखेंगे, स्कॉर्पियन फिश जो है बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ स्कॉर्पियोपेंडिडे। ओके, मोस्टली मैराइन फिश है जो कि ये क्या है ना, इंडिया जो कि वर्ल्ड में मोस्ट वेनमस स्पेसीज में जाता है। कॉमनली ये फाउंड होता है कहाँ पे ना, इंडो वेस्ट पैसिफिक रीजन में। ओके, बायोजियोग्राफिक रीजन देखेंगे, अर्थ का जो सीज में कंप्राइजिंग करता है ट्रॉपिकल वाटर्स ऑफ द इंडियन ओशन, वेस्टर्न सेंट्रल पैसिफिक ओशन एंड सीज कनेक्टिंग टू टू जनरल एरिया ऑफ द इंडोनेशिया। तो वहीं पे बायोजियोग्राफिकल रीजन में ये सब मिलता है, ये जो स्पीसीज है। ओके, देन देखेंगे इट इज ए नॉक्टर्नल फीडर, लेज मोशनलेस एंड सी बॉटम एंड वेट फॉर द प्रे टू द कम क्लोज टू।
इसका मीनिंग ये है, ये क्या करता है ना, ज्यादा मूवमेंट नहीं करता, एक जगह पे क्या है ना छुप के बैठता है सी का बॉटम में। जब क्या होता है उसका जो प्रे है, प्रे क्या करता है ना उसका उसके पास से गुजरता है, उसको मालूम नहीं चलेगा क्योंकि ये क्या है ना कॉम्फो फ्लैग कर देता है, मीन्स इसका कलर चेंज कर देता है। सो जब ये उस साइड से गुजरेगा उसके बाद वो इंजेक्ट करके इसको खा लेता है। ठीक है, नॉक्चुरनल जो स्पेसीज है जो कि वो क्या करता है ना, ये प्रीफर करते हैं जो कि एक्टिव रहते हैं नाइट में, बट ये क्या करते हैं ना दिन में सो जाते हैं, जैसे कि क्या है हमारा बेड से, उसको बोलते हैं नॉक्चुरनल स्पेसीज बोलते हैं। देन हम आएंगे यहाँ पे सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट के बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो सेंट्रल मैराइन फिशरीज रिसर्च जो है इसको एस्टेब्लिशमेंट किया गया था बाय द जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑन द 3 February 1947 में, अंडर किसके अंडर में ना मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर के अंडर में। देन उसके बाद 1967 में ये ज्वाइन किया इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च में। ठीक है, जो कि क्या करता था, इमर्जिंग करता है लीडिंग ट्रॉपिकल मैरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट इन द वर्ल्ड है ये। सो इसका हेडक्वार्टर जो है कोची केरला में। सो दैट्स ऑल, थैंक यू।